कभी इलाके के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली घग्गर नदी इन दिनों किसी श्राप से कम नजर नहीं आ रही है। घग्गर से उठ रही दुर्गंध के कारण रतिया एवं आसपास के लोगों के रहना मुश्किल हो गया है। घग्गर नदी के किनारे बसी कॉलोनियां, खासकर हनुमान चौक एवं वार्ड 2, 3 और 4 की हालत तो बदतर हो चली है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। घग्गर नदी में बहकर आ रहा फैक्ट्रियों का अवशेष और केमिकल युक्त पानी ने जीवन नारकीय बना दिया है। लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी गंदगी और बदबू है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। बच्चों की हालत तो और भी बुरी है। इलाका वासियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से लेकर शासन तक आवाज़ उठा चुके हैं, मगर घग्गर नदी अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। इसका कोई ठोस समाधान नहीं हो रहा है। रतिया के लोगों का कहना है कि घग्गर में केमिकल युक्त पानी के कारण रतिया में बड़े पैमाने पर हेपेटाइटिस सी जैसा घातक रोग फैला था, जिसके कारण रतिया में बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गए। मगर बावजूद इसके शासन और प्रशासन घग्गर को साफ करवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। जो ये घग्गर नदी है, इसके ऊपर कभी वैसाखी के मेले लगा करते थे। लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 13 अप्रैल को जो वैसाखी मनाई जाती है, उसके विरासत को जिंदा कर रखने के लिए इस पर नाच गाने मेले लगा करते थे। लेकिन आज तक किसी ने ना कोई पार्लियामेंट के अंदर और ना ही विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। पिछले दिनों नापा साहब भी विधानसभा में बोले थे, सिर्फ वो अपनी सरकार की वो पॉलिसी गिनाते रहे, लेकिन घग्गर नदी के बारे में एक शब्द तक नहीं उन्होंने बोला। घग्गर नदी बहुत बड़ी समस्या है, ये जेनुइन समस्या है। जेड़ा जो इसमें पानी आता है पीछे से, इसके ऊपर काफ़ी सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बड़े लोगों की, या राजनीतिक के अंदर जो लोग हैं उनके नज़दीकी लोगों की फैक्ट्री हैं इसके ऊपर लगी हुई। और वो जो अपना पोल्यूशन है सारा, पानी भी और जितना भी गंदा मटेरियल है, वो सारा इसके अंदर डाल देते हैं। घग्गर नदी की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी के कारण यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। ये समस्या प्रशासन को जल्द से जल्द इसके बारे में जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। और हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि इसका समाधान अगर ना हुआ तो यहाँ बीमारियाँ भी फैलेंगी और ऐसी बीमारियाँ फैलने का खतरा है जिसका कोई समाधान नहीं है।